तो पठान फिल्म पे ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो रही है, सबको पता है। तो शाहरुख खान ने ये जो बॉयकॉट ब्रिगेड है इन बंदों को अपने घर पे बुला लिया कि सर जी आओ बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। वो कहते देखो जी ये जो आपका गाना है अश्लील है और इसके साथ ही हमें बिकनी की प्रॉब्लम है, भगवा बिकनी। तो शाहरुख ने कहा कि ठीक है जी हटा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 बिकनी नहीं हटानी, उससे तो फिर अश्लीलता के ऊपर इसको बैन करना पड़ जाएगा, आप इस गाने को हटा दो। शाहरुख ने कहा कि गाना हटा दिया फिर फिल्म में बचेगा क्या, यही तो मेन चीज़ है। वो कहते नहीं जी आप सोच लो, या तो गाना हटाओ नहीं तो फिल्म को बैन कर देंगे। वो चले गए एक दो दिन में बता देना। शाहरुख ने कहा ठीक है चलो बताएंगे। अब शाहरुख सोच रहा है कि करे क्या, किसी से सलाह लेते हैं। तो उसने आमिर खान को फ़ोन लगाया। आमिर ने भी पूछा हाँ भाई कैसा है। बोला ठीक हूँ यार, तुझे पता है पठान का पंगा चल रहा है। कहता हाँ हाँ वो तो है। कहता फिर करना क्या है। वो कहता भाई वही तो तुझसे पूछना है करना क्या है। वो आए थे मेरे पास बॉयकॉट वाले, 2 दिन का टाइम लेके गए हैं, पूछेंगे अब क्या करना है। आमिर कहता है तो एक काम कर उनको फिल्म बॉयकॉट करने दे। शाहरुख कहता है यार ये क्या बात है बॉयकॉट करने दे। कहता यार देख मैंने तेरी फिल्म का ट्रेलर देखा है, ये वैसे भी फ्लॉप ही होनी है, इसमें कुछ नहीं है। एटलीस्ट वो करेंगे बॉयकॉट, तेरी इज्जत बच जाएगी, ये फिल्म तो बहुत चलनी थी जी, बॉयकॉट होगी इसलिए चली नहीं। कहते यार गजब की बात है, ये तुझे कैसे पता। कहते यार मेरा भी तो यही हुआ था लाल सिंह चड्ढा का, बॉयकॉट वालों ने बॉयकॉट कर दी। बनने के बाद हमें पता लगा कि फिल्म में चलने वाले कुछ है ही नहीं, थकाऊ और पकाऊ फिल्म बनी थी। तो कहता फिल्म वो वैसे भी फ्लॉप ही होनी थी, बॉयकॉट वालों के चक्कर में फ्लॉप हो गई, अपनी इज्जत बच गई। कि वाह जी वाह फिल्म बहुत बढ़िया थी। शाहरुख कहता ये बात ठीक है यार, इसी तरह करते हैं। उनका 2 दिन बाद फ़ोन आया शाहरुख को कि हाँ जी बताओ गाना निकाल रहे हो। उसने बोला नहीं जी नहीं बॉयकॉट कर दो। वो भी हैरान कि यार फिल्म बॉयकॉट के लिए बोल रहा है। तो चलो फ़ोन वोन रखा उन्होंने कि ये क्या हो गया। अब उनमें से एक आदमी थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था, वो कहता यार इसे तो डरना चाहिए था और इसने बोल दिया कि फिल्म बॉयकॉट कर दो, कोई चक्कर है इसके पीछे। वो कहते अब क्या करें। वो कहता कुछ नहीं शाहरुख को बोलो कि हमें फिल्म दिखाओ पहले पूरी। उन्होंने शाहरुख को बोला शाहरुख जी पूरी फिल्म दिखाओ। शाहरुख कहता नहीं जी नहीं बॉयकॉट कर दो। कहते नहीं नहीं देख लें इस फिल्म में और भी कुछ है। वो कहते चलो देख लो जी। उन्होंने फिल्म फिल्म देखी, उस बंदे को भी जो तेज था समझ आ गया कि फिल्म चलनी चलनी तो है नहीं। वो आगे कि चलो 2 दिन में बताएंगे। तो उन्होंने पूछा आप क्या करें। वो कहता है कुछ ना करो, ये फिल्म वैसे ही फेल होनी है ठीक है ना, तो छोड़ो हम बॉयकॉट ही नहीं करते इसका। 2 दिन बाद फ़ोन शाहरुख को वेट थी, फ़ोन उनका गया। कहते हैं हाँ जी बताओ तो निकाल रहे हो अपना गाना। कहते नहीं जी नहीं आप बॉयकॉट ही कर लो। वो कहते ना हम बॉयकॉट नहीं करेंगे इसको, आप रिलीज़ करो इसको। वहाँ फिर पंगा पड़ गया।